किसे थम्सअप ने कोका कोला और पेप्सी को इंडिया में खत्म कर दिया। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के कारण 1977 में कोक इंडियन मार्केट को छोड़कर चला गया। उसी साल सही मौका देखकर पार्ले ग्रुप ने इंडिया में थम्सअप को लॉन्च किया, जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। 1993 में कोक इंडिया में वापस आया, लेकिन थम्सअप तब तक 80% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में मार्केट लीडर था, और पेप्सी जो कि इंडिया में 1989 में आया था वो भी सेकंड मार्केट लीडर था। अब कोका कोला ने मार्केट शेयर गेन करने के लिए पार्ले ग्रुप से थम्सअप, लिम्का और गोल्ड स्पोर्ट को $60 मिलियन में खरीद लिया। खरीदने के बाद कोक ने थम्सअप की सप्लाई और मार्केटिंग बंद करके उसको मार्केट से बिल्कुल खत्म कर दिया, ताकि लोग थम्सअप की जगह कोक को खरीदे। लेकिन लोगों ने कोक की जगह पेप्सी को खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिससे पेप्सी मार्केट लीडर बन गया। ये देखकर कोक ने थम्सअप को फिर से लॉन्च करने का प्लान बनाया। उन्होंने थम्सअप के लिए नए मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए, जिसमें उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साथ ही उन्होंने आज कुछ तूफानी करते जैसी टैगलाइंस को यूज करके थम्सअप को एक थ्रिल और एडवेंचर ड्रिंक की तरह एडवर्टाइज किया, और ऐसी और स्ट्रेटजीज को यूज करके थम्सअप फिर से मार्केट लीडर बन गया। और आज बिलियन डॉलर्स की ब्रांड वैल्यू के साथ थम्सअप इंडिया का सबसे बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है।